हेलो बच्चों, आज है ना हम बताएंगे प्यासे कौवे की कहानी। ठीक है भाई, आती है आपको? कब सुनी नहीं है? सुनी तो है पर मेरी बुक में याद नहीं होती। अच्छा, चलो। ओ है ना, एक कौवा था, उसको बहुत जोर से ना प्यास लगी थी। पानी ढूंढा था तो पानी मिल नहीं रहा था। अब वो कहाँ जाए? वो एक घड़ा था, उसमें थोड़ा पानी है ना। वो अंदर तो जा नहीं सकता था, अंदर कैसे जाऊ? पानी उसको पीना भी था और कहीं पे पानी भी नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने दिमाग लगाया कि पानी कैसे पिए। फिर देखिए, उसने छोटे छोटे कंकड़ पड़े थे नीचे, उसने ना सारे कंकड़ एक एक करके उसमें घड़े में डाले। मम्मी, तो कंकड़ कितने थे? वो तो मेरे को पता नहीं कितने थे, लेकिन जितने भी उसने डाले वो डालता गया। फिर उसने देखा ना, दो चार कंकड़ डाल के तो क्या उसका पानी ऊपर आ रहा था ना। तो देखा, अरे वाह, ये तो काम कर रहा है, ये पानी ऊपर आ रहा है। फिर वो ना डालता गया कंकड़ डालते गया, सारे पत्थर उसमें डाल दिए और वो पानी ऊपर आ गया। जैसे ही फिर उसने पानी पी के ऊपर हो गया, मतलब उड़ गया। हाँ, उड़ गया। अपनी मेहनत करते जाएं, मेहनत नहीं करेंगे तो उसका फल कैसे मिलेगा? इसलिए मेहनत करते जाओ और फल अपने आप हमें कभी ना कभी तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप भी अपनी मेहनत करते रहना और फल अपने आप भगवान किसी न किसी दिन देंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलो।